की क्यादत में जमान पार्क से रैली का आगाज कर दिया गया। रैली में पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। रैली तथा दरबार पहुंचकर खम होगी। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि इमरान खान की क्यादत में जमान पार्क से रैली का आगाज। रैली में पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है और रैली दादा दरबार पहुंचकर ख़त्म होगी। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से जो कि पीटीआई की जानिब से ऐलान करदा रैली का रूट जारी कर दिया गया और रैली का आगाज भी किया गया है। और अब रैली रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, दोमोरिया पुल, दिल्ली गेट और शाह आलमी गेट, लोहारी गेट और दीगर भी भाटी गेट से होते हुए दादा दरबार तक इख्तिताम पजीर होगी। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, रैली का आगाज कर दिया गया है, क्या मनाजर देख रहे हैं आप? गेट नंबर टू के पैर अभी कुछ देर पहले उंडिया ने दिया जा रहा था कि शायद शाह महमूद कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जो है वो रैली फिर से मुंतबिक कर दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान का जो है वो हाई कोर्ट ने फिर से जो है वो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकाल दिया। लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान गेट नंबर वन से निकल चुके हैं और वो सड़क पर मौजूद है। इस वक्त सड़क की सूरत हाल है कि कारकुनान की शदीद तादाद जो है वो पैदल भी मौजूद है और उसके अलावा गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है वो खान के साथ मौजूद है। इस वक्त इमरान खान जो है वो भारी सिक्योरिटी में मौजूद है और इस वक्त जो है इमरान खान की रैली जो है वो अपने राह की तरफ अपने पॉइंट की तरफ गामजन है और ऐसा ऐसा जो है आगे बढ़ी, क्योंकि आवाम जो है उसकी कसीर तादाद जो है इमरान खान की गाड़ी के आगे मौजूद है, जिसकी वजह से इमरान खान की गाड़ी जो है वो काफी सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रहनुमाओं की तो हमाद अजहर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपनी गाड़ियों में मौजूद है जो इमरान खान की रैली के साथ है। जी ठीक है, शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। आपको बताया जा रहा है हम खबर के हवाले से जो कि रैली का आगाज़ कर दिया गया है और रैली अब जमान पार्क से शुरू हो चुकी है, निकल पड़ी है। रैली में दीगर शरीक मुलजिमान और दीगर शरीक कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और कारकुनान में बहुत से लोग इस रैली में शामिल हैं। आपको बताया जा रहा है इस रैली का आगाज़ जो कि कर दिया गया है। खबर यह है कि इमरान खान की क्यादत में जमान पार्क से रैली का आगाज हो चुका है। मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रैली में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है। रैली दादा दरबार पहुंचकर ख़त्म होगी। आपको बताएं इमरान खान की क्यादत में जमान पार्क से रैली का आगाज हो चुका है। ठीक है, इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। राहिल बताइएगा इस वक्त आप क्या मनाजर देख रहे हैं वहाँ पे? जी मैं मौजूद हूँ धर्मपुरा पुल पर जहाँ पर जो है वो रैली के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और अब यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान की रैली जो है वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से रैली का रूट जो जमान पार से शुरू होता हुआ धर्मपुरा पुल पे पहुंचेगा, फिर वहाँ से इलामाबाद रोड पर से होता हुआ गड़ी चौक पहुंचेगा, उसके बाद स्टेशन, सर्कुलर रोड और फिर दाता दरबार जो है वो पहुंचेगा। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि इस दाखिली रूट पर जो है वो दाखिली और खारजी रस्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खारदार तारे और कंटेनर लगा कर जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आम जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खसूस मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार, रिक्शा सवार जो लोग हैं वो जो है वो ज्यादा परेशान है। इसके अलावा खवातीन जो है वो पैदल सफर करने पर मजबूर है, क्योंकि तमाम रस्ते जो है वो किनार पे और रैली के रूट पे जाने वाले वो तमाम जो है वो दाखिल और खारजी रस्ते जो है वो बंद किए गए हैं जो इस रूट को जो है वो टच करते हैं। जो कारकुन जो है वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्लों में जो है वो इस वक्त जमान पार के रस्ते पे मौजूद है। धर्मपुरा पुल पे भी जो है कुछ लोग जो है वो टोलियों की शक्लों पे मौजूद है ताकि जब इमरान खान की रैली यहाँ से गुजरे तो वो उसको जो है वो उसके साथ ज्वाइन हो सके। तो पुलिस जो है वो तमाम रूट्स पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। कारकुन जो है वो पीटीआई के झंडे और बैनर्स उठाकर जो है वो रैली के रूट पर जो है वो रवा दवा नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जो है वो कॉर्डन ऑफ एक तरीके से जो है वो पूरी जो है वो रूट को जो है वो किया है। तमाम रस्ते बंद होने की वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात हैं और जो है उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तमाम वो रस्ते जो इस रैली के रूट पे दाखिल और खारजी हैं वो पुलिस की जानेब से जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो अब इमरान खान जो है वो जमान पार्क से जो है वो निकल चुके हैं, तो कारकुन जो है वो पुरजोश है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट से जो है वो पुलिस भी जो है वो तैनात है और अब जो सिक्योरिटी है उनकी वो भी आगे अब पहुंचना शुरू हो गई है। इमरान खान की गाड़ी कारकुनों के हमला जो है वो रैली के साथ मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि रैली के किसी भी रूट पे इमरान खान जो है वो तकलीफ नहीं करेंगे। वापस जमान पार्क आने के बाद इमरान खान हो सकता है वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अपने कारकुनों से खिताब कर रहे। रैली जो है वो कुछ दूर पहुंच रह गई है धर्मपुरा पुल से और यहाँ से जो है वो रैली गुजरेगी, उसके बाद इलामाबाद रोड पर जो है वो रैली का। राहिल आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, मुबीन हैदर ने ज्वाइन किया। मुबीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से? सबसे पहले आप बताइए कि इमरान खान को खदशा था, उन्हें कत्ल करने का खदशा था, क्या इतनी सिक्योरिटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है कि वो इससे खुश हैं और आसानी रैली निकाल सकेंगे?
जी बिल्कुल, इसी तरह से कि सिक्योरिटी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, डॉल्फिन एहलकार मौजूद है यहाँ पर, डॉल्फिन पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन से ड्यूटी दे रहे हैं, जो बाकी पंजाब पुलिस की भारी नफरी वो भी यहाँ पर मौजूद है, चैम्बर्स वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी काफिले के साथ हैं, कंटेनर्स मौजूद हैं, पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी इमरान के साथ अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तकरीबन कुछ ही देर में अभी यहाँ से जमान पार्क से जो है इमरान खान रवाना हो जाएंगे रैली के लिए, गाड़ियाँ जो है बाहर आ चुकी हैं उनकी, लेकिन रैली ने यहाँ से प्रॉपर कूच नहीं की, अभी तक रैली मौजूद जरूर है, अभी कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि 5 या 10 मिनट के अंदर जो रैली है जमान पार्क से आगे मूव होना चाहिए। सिक्योरिटी का जैसे कि आपने पूछा, अच्छी खासी सिक्योरिटी की तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है मुबीन, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे हमजा खुर्शीद और राहिल अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।